हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियरिंग फॉर यू। जैसे कि आपके PSPCL 2018 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे थे, उसका सेवंथ क्वेश्चन इस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं भाई। तो सेवंथ क्वेश्चन क्या है, ए सीरीज़ RLC सर्किट रेजोनेट एट 1.5 किलो हर्ट्स एंड कंज्यूम 50 वॉट फ्रॉम अ 50 वोल्ट AC सोर्स ऑपरेटिंग एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। इफ़ द बैंड विड्थ इज़ 0.75 किलो हर्ट्स, देन वट आर द वैल्यूज ऑफ सर्किट एलिमेंट R एंड L। तो सीरीज़ बाई रेजोनेंस आपके पास गिवन है। सीरीज़ रेजोनेंस का अगर मैं सर्किट की बात करूं, तो मेरे पास R, L और C जो है एलिमेंट, ये आपके सीरीज़ में कनेक्टेड होती हैं, ठीक है। दैट इज़ R, L एंड C, और ये सोर्स की वैल्यू गिवन है 50 वोल्ट, क्लियर। तो एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस आपको पता है जो इंडक्टर पे एनर्जी होती है वो अपनी सारी की सारी एनर्जी कैपेसिटर को देने स्टार्ट कर देता है। अगले साइकिल में जिसके पावर एनर्जी जीरो हो जाती है, इसके पास एनर्जी आ जाती है, और जो एनर्जी आएगी ये वापस से रिटर्न किसको करना स्टार्ट कर देगा, इंडक्टर को। कहने का मतलब ये है, ये दोनों एलिमेंट आपस में एनर्जी ट्रांसफ़र करते रहते हैं। एक टाइम पर एक चार्ज हो जाता है, दूसरा डिस्चार्ज, नेक्स्ट अगले साइकिल में जो डिस्चार्ज हुआ था वो चार्ज हो जाएगा थ्रू अगले में। इसका मतलब ये एलिमेंट आपका इफेक्ट अपने आपस में ही एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हुए अपना जो इफेक्ट है वो निगलेक्ट कर देंगे, सिर्फ और सिर्फ आपका सर्किट में बचेगा भाई रेजिस्टेंस, क्लियर है पॉइंट। सर्किट में क्या बचेगा, सिर्फ रेजिस्टेंस। सो इसीलिए हम बोलते हैं एट रेजोनेंस आपका जो सर्किट होता है RLC सीरीज सर्किट होता है वो प्योरली क्या होता है, रेजिस्टिव, प्योरली रेजिस्टिव होता है, क्लियर है पॉइंट। क्यों रेजिस्टिव होता है, बिकॉज एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस XL और XC दोनों क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। इसका अगर फिजिकल सिग्निफिकेंस बताऊं, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस ये है, जो आपकी इंडक्टर होता है ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी स्टोर करता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी स्टोर करता है, ठीक है। तो मैग्नेटिक एनर्जी आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी में स्टोर होती है, फिर अगेन इलेक्ट्रिक एनर्जी आपकी मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, क्लियर। इसका मतलब ये आपस में ही एनर्जी ट्रांसफ़र करते रहते हैं, कब, एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे आपका ये दोनों का इफेक्ट क्या हो जाएगा, निगलेक्ट हो जाएगा, इसका सर्किट में कोई रोल नहीं रहेगा, ये आपस में ही पावर ट्रांसफर करते रहेंगे और सर्किट क्या बचेगा, प्योरली रेजिस्टिव, क्लियर। तो फर्स्ट लाइन देखिए, अ सीरीज RLC सर्किट रेजोनेंट एट 1.5 किलो हर्ट्स, मीन्स रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी गिवन है भाई ओमेगा नॉट, लेकिन ये हर्ट्स में गिवन है, इसके जो यूनिट होते हैं रेडियन पर सेकंड, क्लियर। तो इसका मतलब मुझे एफ नॉट गिवन है, जो भी रेजोनेंस कंडीशन होगी उसको मैं एफ नॉट नॉट के साथ डिनोट करूंगा, क्लियर। कितना भाई, 1.5 किलो हर्ट्स, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1.5 इंटू 10^3 हर्ट्स, क्लियर। नेक्स्ट क्या है, एंड कंज्यूम 50 वॉट फ्रॉम अ 50 वोल्ट AC सोर्स ऑपरेटिंग एट रेजोनेंस। ये कंडीशन वेरी इंपॉर्टेंट है, एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस आपका जो सर्किट है वो कितनी पावर कंज्यूम कर रहा है भाई, 50 वॉट। इसका मतलब पी नॉट की वैल्यू कितनी है भाई, 50 वॉट। और हमें ये भी पता है एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आपका सर्किट किसकी तरह ट्रीट करता है भाई, प्योरली रेजिस्टिव, मीन जिनका इफेक्ट क्या हो जाता है, निगलेक्ट हो जाता है। तो सर्किट में सिर्फ कौन सा एलिमेंट दिखेगा आपको, रेजिस्टेंस। तो इस केस में जो पावर होगी आपकी पी नॉट, दैट इज इक्वल टू B² / R, डायरेक्ट मैं फॉर्मूला यूज़ कर सकता हूँ। तो जेट इज इक्वल टू 50, और वोल्टेज की वैल्यू कितनी है 50, इसका मतलब जे हुआ 50 का स्क्वायर डिवाइड बाय R, दैट इज इक्वल टू 50। तो 50 के साथ एक 50 कैंसिल हो जाएगा, तो R की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, R इज इक्वल टू 50, क्लियर। तो आपने R और L की वैल्यू निकालनी थी, तो R की वैल्यू आपके पास आ गई है भाई 50 ओम। अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ, इसमें 50 किस पे आ रहा है, बी पे आ रहा है और डी पे आ रहा है, इसका मतलब सी और जो आपका ए ऑप्शन है ये आपका निगलेक्ट हो जाएगा, क्लियर। आपका जो आंसर आएगा वो या तो 50 ओम एंड 16.6 मिली हेनरी, सिमिलरली 50 ओम एंड 10.6 मिली हेनरी, वो देखते हैं अब अगली कंडीशन से मुझे नेक्स्ट पैरामीटर मिल जाएगा। इफ़ द बैंड विड्थ इज, अब बैंड विड्थ गिवन है, ठीक है। तो जो बैंड विड्थ है इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ भाई, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू 50 आ गई, ठीक है, ये चीज़ याद रखना है भाई, रेजिस्टेंस मैंने निकाल लिया, R इज इक्वल टू 50 ओम। नेक्स्ट आपको गिवन है भाई बैंडविड्थ, बैंडविड्थ है 0.75 किलो हर्ट्स, क्लियर। अगर एक्चुअल में मैं बैंडविड्थ की बात करूं, बैंडविड्थ होता है ω2 - ω1, दैट इज इक्वल टू R/L, लेकिन ये किस में गिवन है भाई, हर्ट्स में गिवन है। इसका मतलब मुझे ये भी किस में चेंज करना होगा, हर्ट्स में चेंज करना होगा, क्लियर। ये जो बैंडविड्थ गिवन है दैट इज नथिंग बट F2 माइनस
एफ वन, वेयर एफ वन और एफ टू क्या होता है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। जब फुल कोर्स स्टार्ट करेंगे इन डिटेल बताएंगे कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होती है। अभी मैं डायरेक्टली फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, क्लियर है पॉइंट। तो फॉर्मूला ये होता है बैंडविड्थ का, एफ टू माइनस एफ वन दैट इज इक्वल टू 0.75 किलो हर्ट्स। लेकिन अगर मैं रेडियन पर सेकेंड की बात करूँ, ये होता है ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन दैट इज इक्वल टू आर बाई एल, क्लियर। तो इसको फ्रीक्वेंसी में चेंज कर दिए, ये होता है टू पाई एफ टू माइनस टू पाई एफ वन दैट इज इक्वल टू आर बाई एल दैट इज इक्वल टू 0. अभी रुक जाइए, इनमें से 2 पाई कॉमन निकाल लीजिए, 2 पाई मेरा कॉमन आया, बचेगा क्या एफ टू माइनस एफ वन दैट इज इक्वल टू आर की वैल्यू कितनी निकाली भाई, 50 डिवाइड बाई एल, क्लियर है पॉइंट। अब मुझे एक चीज़ बताइए, इसकी जो वैल्यू होती है इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, एफ टू माइनस एफ वन की जो वैल्यू है, ये आपको गिवन अभी 0.75, तो इसकी वैल्यू देखिए कैसे आएगी, यहाँ से निकाल देते हैं भाई 50 बाई एल दैट इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 0.75 इंटू 10 रिज पावर 3। तो एल की वैल्यू कैसे जाएगी, जे इस साइड जाएगा, जे नीचे आ जाएगा, क्लियर। तो एल की वैल्यू मेरे पास जो आएगी दैट इज 50 डिवाइड बाई 2 पाई इंटू 0.75 इंटू 10 रिज पावर 3। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्लियर। देखिए इसको कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, जो एल की वैल्यू मेरे पास आ रही है भाई, इसको कैंसिल कर दो, ये बचेगा 25 डिवाइड बाई 0.75 है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 75 डिवाइड बाई 100 इंटू 10 रेज पावर 3। तो ये जो 100 होगा भाई, ये मेरा ऊपर चला जाएगा, ये चला जाएगा भाई ऊपर 100, क्लियर। तो इसको कैंसिल कर दीजिए, ये कहाँ पे जाएगा, 3 पे जाएगा, और एक यहाँ पे पाई भी बचा हुआ है, ठीक है, ये देखो पाई, तो पाई मेरा यहाँ पे आ जाएगा। तो आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा, 100 डिवाइड बाई 3 पाई इंटू 10 रेज पावर माइनस 3। अब मुझे आंसर मिली हेनरी में चाहिए था, इसका मतलब 10 रेज पावर माइनस 3 का मतलब क्या होता है, मिली, क्लियर। तो इसका मतलब इसको मैं चेंज नहीं करूंगा, एज इट इज रखूंगा। तो इसको बताइए कितना आ जाएगा, 100 बाई 3 कितना होता है 33/33, और पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14 मिली हेनरी, ये एल की वैल्यू आ गई, क्लियर। अब स्टूडेंट बोलते हैं सर एग्ज़ाम में कैलकुलेटर अलाउड होना चाहिए, बिकॉज इतनी लंबी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, भाई आप प्रैक्टिस करिए अपने हाथ से, ठीक है। तो आप मुझे एक चीज़ बताइए, ये आ गया 33.33 डिवाइड बाई 3.14, अब एक ऑप्शन में भाई 16. अभी ए और सी तो कैंसिल हो गया ना आपका, इसमें है भाई 16.6, इसमें है 10.6। मुझे एक चीज़ बताइए, आप इसको अप्रोक्सीमेट मान लो, मान लीजिए इसको मैं 3 मान लेता हूँ, इसको 33, ऐसे करके देख लो, जो क्लोजेस्ट वैल्यू होगी वो मेरा आंसर आ जाएगा 11। इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू इसका आंसर कितना आ रहा है 11, इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा 10.6, क्लियर है पॉइंट। तो ऑप्शन सी आ जाएगा, तो 16 तो इसमें पॉसिबल ही नहीं है ना, ये ऑप्शन तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो उसको अप्रोक्सीमेट करके देख लो, जो ऑप्शन मेरी नियरेस्ट आपके आंसर की आएगी वही आपका राइट आंसर होगा, क्लियर। अदरवाइज जब आप कैलकुलेटर से इसको डिवाइड करोगे आंसर आ जाएगा एग्जैक्ट 10.6 मिली हेनरी। समझा इतनी बात, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं भाई, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इफ अ सीरीज रेजोनेंस सर्किट हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 1 किलो हर्ट्स एंड हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज ऑफ 10 एंड 90 किलो हर्ट्स, देन द बैंडविड्थ एंड द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट इज, क्लियर। तो आपको इन्फॉर्मेशन क्या है भाई, हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज का मतलब क्या होता है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, वो वाली फ्रीक्वेंसी जिसके ऊपर आपकी पावर क्या हो जाए, हाफ, उसको बोलते हैं हाफ कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, क्लियर। तो फुल कोर्स में डिस्कस करेंगे इन डिटेल, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ भाई, जो मेरी बैंडविड्थ होती है आपको पता है भाई दैट इज एफ टू माइनस एफ वन, पिछले लेक्चर में देखा था, और एफ टू की वैल्यू कितनी है, एफ वन की वैल्यू है आपके पास कट ऑफ फ्रीक्वेंसी 10 किलो हर्ट्स, और एफ टू की वैल्यू कितनी है 90 किलो हर्ट्स। तो इसका मतलब एफ टू कितना है 90 माइनस 10 किलो हर्ट्स, इसका मतलब आंसर कितना आ गया भाई 80 किलो हर्ट्स, क्लियर है पॉइंट। तो सबसे पहले ऑप्शन जो आएगी उसको देख लेते हैं, इसमें 100 है, इसमें 80, 9, 40, इसका मतलब आपको एक पार्ट सॉल्व करने से ही आपका आंसर मिल गया दैट इज 80 किलो हर्ट्स, लेकिन हम दूसरा पार्ट भी कैलकुलेट करेंगे, क्लियर। दूसरा पार्ट क्या भाई, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आपको बताना है। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी और कट ऑफ फ्रीक्वेंसी में रिलेशन ये होता है, जो आपकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज अ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज, ज्योमेट्रिक मीन मीन्स इन दोनों की प्रोडक्ट ऊपर अंडर रूट, क्लियर। लेकिन आपको पता है भाई इसका आंसर आपको हर्ट्ज में बताना है, तो हर्ट्ज में इसको चेंज कर लेते हैं, ओमेगा नॉट को लिख सकते हैं 2 पाई एफ नॉट दैट इज इक्वल टू 2 पाई एफ वन इंटू 2 पाई एफ टू इसका अंडर रूट, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं
2 पाई और 2 पाई इसकी पावर 2 हो जाएगी, f1 f2 इसका क्या आ जाएगा अंडररूट, क्लियर। तो बाहर कितना आ जाएगा 2 पाई, इसका अंडररूट खत्म हो जाएगा ना, 2 पाई अंदर बचेगा f1 into f2 और इस साइड बचेगा 2 पाई f0, इसका मतलब 2 पाई के साथ 2 पाई कैंसिल हो जाएगा। तो मेरी जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आएगी f0 दैट इज f1 f2 अंडररूट, ठीक है। तो f1 की वैल्यू कितनी है भाई 10 इंटू 90, इसका भी किलो हर्ट्स, इसका भी किलो हर्ट्स, तो अंडररूट है भाई, तो बाहर आ जाएगा इसका किलो हर्ट्स, क्लियर। तो ये बचेगा 900 अंडररूट किलो हर्ट्स, क्लियर है पॉइंट। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, तो इसको जब सॉल्व करोगे 30 इसका आंसर आ जाएगा, क्लियर। तो आप कर भी सकते हो भाई, 900 को ऐसे लिख सकते हो ना, 30 into 30 अंडररूट दैट इज इक्वल टू 30 किलो हर्ट्स, क्लियर है पॉइंट। तो वेरी इजी क्वेश्चन था भाई, ऐसे हम बोल देते हैं कि एग्ज़ाम वेरी डिफ़िकल्ट था। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है, उसका फॉर्मूला क्लियर है, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करनी आती है, तो आप इजीली हर एक टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर नाइन्थ देखिए। टू इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ 20 ओम एंड 5 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस आर 220 वोल्ट 50 हर्ट्स। तो सबसे पहले जो चीज़ आपको गिवन है उसकी इन्फॉर्मेशन लिख लो। एक एसी सोर्स है जिसकी वैल्यू है 220 वोल्ट और 50 हर्ट्स, क्लियर। उसके साथ पैरेलल में दो इंडक्टिव रिएक्टेंस कनेक्टेड है भाई, ये मेरे दो कनेक्टेड कर दिए मैंने इसका। ए की वैल्यू है कितनी है भाई J20 और एक की है J5 ओम, क्लियर। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस को ऑलवेज J के साथ लिखते हैं, क्लियर। तो अब क्या बोल रहा है, अब क्या बोल रहा है, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ द इंडक्टिव रिएक्टेंस सीन बाय द सोर्स इफ द वोल्टेज, जो सोर्स की वोल्टेज है और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज चेंज टू 110 वोल्ट 50 हर्ट्स। अब क्या बोल रहा है, अगर मैं इस सोर्स की वोल्टेज चेंज कर दूं, वोल्टेज और अगर फ्रीक्वेंसी चेंज कर दूं, तो उस केस में सोर्स साइड से मुझे कितना एक्स इक्विवेलेंट दिखेगा। तो यहाँ पे कितना है 110 वोल्ट और 25 हर्ट्स, क्लियर। अगर मैं इंडक्टिव रिएक्टेंस की बात करूं, जो जे होता है इसको हम लिखते हैं जे एक्स एल, क्लियर। जो एक्स एल की वैल्यू होती है दैट इज 2πfL, क्लियर। मीन जो आपका एक्स एल होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस होती है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, क्लियर। इसका मतलब जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है उसकी वैल्यू चेंज करेगी अगर मैं फ्रीक्वेंसी चेंज करूंगा। अब फ्रीक्वेंसी मैंने क्या कर दिया, पहले से 25 ही किया ना, 25 मींस पहले 50 था, अब कितना कर दिया 25। अगर फ्रीक्वेंसी हाफ हो गया है, इसका मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्सएल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ। अगर एफ हाफ करोगे तो एक्सएल भी क्या हो जाएगा, हाफ। इसका मतलब जो 20 वाला रिएक्टेंस था वो कितना हो जाएगा J10, और जो 5 वाला था वो कितना हो जाएगा J2.5 ओम, क्लियर है पॉइंट। तो अब यहाँ से मुझे एक्स इक्विवेलेंट की वैल्यू बतानी है, तो एक्स इक्विवेलेंट जो होगा इन दोनों का मुझे क्या दिखेगा भाई, पैरेलल कॉम्बिनेशन दिखेगा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो कितना आ जाएगा J10 इनटू, या पहले लिख लो दैट इज पैरेलल बिटवीन J10 एंड J2.5। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे सॉल्व करती हैं, J10 इनटू J2.5 डिवाइड बाई ऊपर दोनों की प्रोडक्ट, नीचे दोनों का समीशन, समीशन करेंगे तो इतना आ जाएगा। एक जे के साथ एक जे कैंसिल हो जाएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 125 डिवाइड बाई 10, इसको भी लिख सकता हूँ 25 बाई 10, तो 10 के साथ 10 कैंसिल हो जाएगा। इसको सॉल्व करिए 5 पे जाएगा, इसका मतलब 10/5J, तो आंसर कितना आ जाएगा भाई J2 ओम, क्लियर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आ जाएगा दैट इज 2 ओम, क्लियर। तो वेरी इजी क्वेश्चन था भाई, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है उसका फ्रीक्वेंसी के साथ क्या रिलेशन है। तो ऐसे कैसे भी क्वेश्चन को वेरी करके आपको डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन ये आस्क कर सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्लियर। तो बाकी देखते हैं 10th क्वेश्चन इसके बाद। सो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए भाई, द करंट थ्रू एन इंडक्टिव इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस 6 हेनरी वेरीज लीनियरली एट अ रेट ऑफ 0.5 एम्पीयर पर सेकेंड, what will be the flux linkage in the system after the current has flown for 2 seconds। तो flux linkage की value बतानी है, flux linkage means psi, psi का मतलब होता है भाई flux linkage, और जो आपकी flux linkage होती है भाई that is directly proportional to I, और जो proportionality constant हम use करते हैं that is inductance L, clear है point। तो इसका मतलब ये मेरे पास relation आपके पास आएगा, clear। तो सबसे पहले देखिए इंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रहा है,
वो टाइम के साथ लीनियरली वेरी कर रहा है, ठीक है। इंडक्टेंस की वैल्यू 6 हेनरी है। अगर मैं आई वर्सेस टी का ग्राफ ड्रॉ करूँ, दैट इज आई वर्सेस टी, वो लीनियरली वेरी कर रहा है, क्लियर है पॉइंट। और उसकी जो स्लोप है भाई, दैट इज 0.5, क्लियर। इसका मतलब ये है, जो आई है दैट इज इक्वल टू 0.5 इंटू टाइम टी, बिकॉज आई बाई टी की वैल्यू गिवन है ना, एम्पियर पर सेकेंड, दैट इज इक्वल टू 0.5, ऐसे भी समझ सकते हो। तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.5 इंटू टी हो जाएगा, क्लियर है पॉइंट। तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूँ, तो फ्लक्स लिंकेज दैट इज इक्वल टू इंडक्टेंस की वैल्यू कितनी है, 6 इंटू आई की वैल्यू है 0.5 इंटू टी, तो साई की वैल्यू आ जाएगी भाई 3t। तो किसी भी टाइम पे आप फ्लक्स लिंकेज की वैल्यू आप बता सकते हो भाई। तो फ्लक्स लिंकेज आपके पास किसके कल आ गया, 3t। तो आपने कितने टाइम पे बताना था, 2 सेकंड पे बताना था, क्लियर। तो इसका मतलब क्या हो गया, 3 इंटू 2 दैट इज 6 वेबर पर टन, बिकॉज जो फ्लक्स लिंकेज होता है साई दैट इज इक्वल टू एन फाई, नंबर ऑफ टर्न की यूनिट होती है टर्न, ठीक है, और फ्लक्स की यूनिट होती है भाई वेबर। इसका मतलब यूनिट क्या हो जाएंगे, वेबर टर्न, क्लियर है पॉइंट। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज 6 वेबर पर टर्न, क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन आर एल सी सीरीज सर्किट हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम, इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ 2 ओम एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑफ 1 ओम बीन कनेक्टेड अक्रॉस अ 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई, क्लियर। इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सप्लाई नाउ चेंज टू 25 हर्ट्ज़ देन द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट विल बी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कंसेप्ट आपका बनेगा इस क्वेश्चन से। सीरीज आरएलसी सर्किट आपको गिवन था, ये मेरे पास सीरीज आरएलसी सर्किट, जब हम यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई कर रखी है, कितना फर्स्ट केस में देखिए भाई, कितना वोल्टेज अप्लाई कर रखा है, रिएक्टेंस दैट इज 250 हर्ट्ज़। जब मेरे पास 200 वोल्ट और 50 हर्ट्ज़ सप्लाई थी, उस केस में रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पे 2 ओम है, नेक्स्ट कैपेसिटिव रिएक्टेंस 1 ओम है, इंडक्टिव रिएक्टेंस कितने 2 ओम है, इसका मतलब ये 2 ओम है, और कैपेसिटिव रिएक्टेंस को माइनस जे के साथ लिखते हैं, दैट इज़ 1 ओम, क्लियर है पॉइंट। तो आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, एक्सएल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होता है ना, बिकॉज एक्सएल की वैल्यू होती है 2πf(L) और एक्सी की वैल्यू होती है 1/2πfc, क्लियर। इसका मतलब ये हुआ, जो आपकी XL होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, और कैपेसिटिव इंडक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, समझा इतनी बात। अब मुझे एक चीज़ बताइए, अब आपने इस सर्किट की जो फ्रीक्वेंसी है उसको चेंज कर दिया, जैसे ही फ्रीक्वेंसी चेंज करोगे आपका XL और XC क्या होगा, चेंज होगा, क्लियर। लेकिन जो आपका रेजिस्टेंस है, ये आपका फ्रीक्वेंसी का फंक्शन नहीं होता, ये कांस्टेंट होता ऑलवेज, ठीक है। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू आपकी चेंज करेगी, क्लियर। अब फ्रीक्वेंसी पहले 50 हर्ट्ज थी, अब नई फ्रीक्वेंसी कितनी है, 25 हर्ट्ज। इसका मतलब पहले से जो मेरी फ्रीक्वेंसी है वो पहले वाली फ्रीक्वेंसी का क्या हो गया, 1/2 हो गया। इसका मतलब जो XL होगा, XL क्या होता है भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होता है। इसका मतलब XL की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर मैं X डैश की बात करूं, XL डैश जो नए वाला होगा वो पहले वाले का हाफ हो जाएगा, बिकॉज फ्रीक्वेंसी अगर हाफ हो गई है, तो पहले J2 था, अब कितना हो जाएगा, J1 हो जाएगा, क्लियर। अगर मैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस की बात करूं, X डैश सी दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का क्या मीनिंग है भाई, अगर फ्रीक्वेंसी मेरी हाफ हो रही है, इट मींस एक्सी क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस, क्लियर अ पॉइंट। तो इसका मतलब ये हुआ, जो आपका एक्सी डैश होगा दैट इज 2 टाइम्स ऑफ एक्सी जो पहले था, पहले कितना था भाई, J1 था, तो इसका मतलब कितना आंसर आ जाएगा, -J2 ओम, क्लियर अ पॉइंट। तो अगर मैं नए सर्किट की बात करूँ, तो नए सर्किट मेरा ऐसे बनेगा, इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अगर मैं यहाँ पे 25 हर्ट्ज कर दूँ, तो इसकी वैल्यू वही हो जाएगी J1 ओम, क्लियर। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -J2 ओम, समझा इतनी बात। अब आपको बताना भी पावर फैक्टर की वैल्यू क्या होती है। तो पावर फैक्टर ऑलवेज याद रखिए, पावर फैक्टर इज़ द कोसाइन एंगल ऑफ इम्पीडेंस। तो इम्पीडेंस का एंगल निकाल लीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। क्यों इम्पीडेंस का एंगल होता है, फुल कोर्स में डिस्कस करेंगे, क्लियर। तो ध्यान से देखिए भाई, तो इसका मतलब ये हुआ, सबसे पहले मैं इसकी फेजर डायग्राम ड्रॉ करूंगा, उसके साथ मेरे पास आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, अगर मैं पूरे सर्किट का इम्पीडेंस लिखूं, तो जेड की वैल्यू किसके इक्वल आएगी भाई, 2+J1 +-J2,
ये मेरा टोटल इम्पीडेंस होगा, ठीक है। इम्पीडेंस सीरीज में है, तीनों ओम में है यूनिट, तो ये ऐड हो जाएंगी, ठीक है। सीरीज में इम्पीडेंस, सो रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, क्लियर। अगर मैं रेजिस्टेंस को रेफरेंस ले लूँ, मान लीजिए रेजिस्टेंस मेरी रेफरेंस है भाई, रेजिस्टेंस इज रेफरेंस, यहाँ पे देखिए प्लस जे, प्लस जे का मतलब होता है 90 डिग्री, और प्लस है भाई आपको बताया था क्लॉकवाइज एंगल क्या करता है, नेगेटिव, और एंटी क्लॉकवाइज एंगल क्या होता है, पॉजिटिव। इसका मतलब प्लस जे, जे का मतलब होता है 90 डिग्री, इसका मतलब प्लस का है तो क्लॉकवाइज, तो इस डायरेक्शन में बनेगा, ये होगी मेरी जे एक्स एल, क्लियर। नीचे क्या है भाई, माइनस जे, माइनस जे का मतलब होता है 90 डिग्री। अगर मैं एंगल की बात करूँ, ये 0 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है, ये होता है माइनस 90 डिग्री, इसका मतलब माइनस 90 डिग्री इस एक्सिस पे आएगा, क्लियर। तो बिल्कुल नीचे मेरा क्या आ जाएगा भाई, एक्स सी आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस जे एक्स सी, क्लियर। लेकिन आप देख सकते हो एक्सएल की वैल्यू है 1, इसकी वैल्यू है माइनस 2, क्लियर। क्योंकि आपकी ये अपोजिट नेचर की है ना, मान लीजिए कोई लेंथ इधर को मेरी 3 है और इसके अपोजिट मेरी है 2, क्लियर। तो रिजल्टेंट मेरा किस तरफ आ जाएगा भाई, जिस साइड हायर होगा, क्लियर। इसमें से मैं 2 लेंथ माइनस कर दूंगा, इसमें से 2 लेंथ मेरी माइनस हो जाएगी भाई, ये 2 माइनस हो जाएगी, ये 1 बच जाएगा, क्लियर। तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो 1 आ जाएगा, क्लियर। तो सिमिलरली अगर XL हायर होता तो ऊपर मैं इसका रिजल्टेंट ड्रॉ करता, अब XC मेरा हायर है, इसका मतलब नीचे मेरा रिजल्टेंट रिप्रेजेंट होगा, क्लियर। तो अगर R की वैल्यू मेरे पास 2 ओम है, ये मेरे पास J1 है, ये मेरे पास माइनस J2 है, तो इस लाइन और इस लाइन का जो रिजल्टेंट बनेगा भाई वो नीचे को बनेगा, बिकॉज J1 माइनस J2 करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, माइनस J आ जाएगा, तो इसका मतलब J जो मेरी हाइट रहेगी दैट इज माइनस J1, क्लियर है पॉइंट। तो R प्लस J अगर इन दोनों का मैं रिजल्टेंट ले लूँ वो क्या हो जाता है मेरा इम्पीडेंस, ये हो जाता भाई मेरा इम्पीडेंस Z, ये मेरा हो जाएगा अभी Z, क्लियर। J एंगल हो जाएगा थीटा, अगर मैं इसको परपेंडिकुलर रिज्यूम कर लूँ दैट इज 90 डिग्री, तो इसका मतलब ये हुआ जो जो हाइट है, ये रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है, ये मेरे पास कितना है 2 ओम है, क्लियर, और J वाली हाइट कितना है माइनस 1 है, J वाली हाइट और J वाली हाइट क्या होती है सेम होती है, इसका मतलब J भी कितना हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा, क्लियर। तो हमें निकालना भाई कॉस थीटा, तो इम्पीडेंस का जो एंगल होता है वही मेरा क्या कहलाता है भाई, पावर फैक्टर एंगल। तो कॉस थीटा यहाँ पे क्या आ जाता है, कॉस थीटा होता है बेस डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पे बेस की वैल्यू कितनी है, जी है मेरा बेस दैट इज 2 डिवाइड बाई एच क्या मेरा इम्पीडेंस जेड, क्लियर। तो जेड की वैल्यू हम निकाल लेते हैं भाई, तो जेड की वैल्यू कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो जो जेड की वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, उसका क्या कर देंगे अंडर रूट, इसका मतलब 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, इसका क्या करेंगे अंडर रूट, इसका मतलब इम्पीडेंस की वैल्यू कितनी आएगी 4 प्लस 1 अंडर रूट 5, क्लियर। तो इसका मतलब कॉस थीटा क्या आ जाएगा मेरा 2 डिवाइड बाई रूट 5, क्लियर। तो इसका आंसर है भाई 2 डिवाइड बाई रूट 5, लेकिन 2 डिवाइड बाई रूट 5 यहाँ पे भी है और 2 डिवाइड बाई रूट 5 यहाँ पे भी है, क्लियर। तो अब कैसे पता चलेगा ये लैगिंग होगा या लीडिंग होगा, क्लियर। तो लैगिंग लीडिंग का कंसेप्ट आपको बताया था भाई, तो लीडिंग का कंसेप्ट ये होता है जब मेरा करंट वोल्टेज से लीड करेगा तो पावर फैक्टर कौन सा होता है लीडिंग, अगर करंट मेरा वोल्टेज से लैग करेगा तो पावर फैक्टर कौन सा होगा लैगिंग, समझा इतनी बात। अब मुझे एक चीज़ ध्यान से बताइए, यहाँ पे इफेक्ट किसका ज़्यादा है, जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो क्या मेरी ज़्यादा है, समझ रहे पॉइंट, एज कंपेरिजन टू इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो जिसका इफेक्ट ज़्यादा होगा उसका वही नेचर होता है पावर फैक्टर का, अगर इंडक्टर का इफेक्ट ज़्यादा रहेगा इट मींस पावर फैक्टर क्या होगा लैगिंग, अगर कैपेसिटर का जो इफेक्ट है वो ज़्यादा है देन इंडक्टर तो पावर फैक्टर कैसा होगा भाई लैगिंग, समझा इतनी बात। तो इस क्वेश्चन में इस पॉइंट में आपकी कैपेसिटिव रिएक्टेंस ज़्यादा है देन इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसका मतलब आपका इफेक्टिव नेचर किसका है मीन ज़्यादा नेचर किसका है कैपेसिटर का, इसका मतलब पावर फैक्टर कौन सा होगा लीडिंग, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्लियर है पॉइंट। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा भाई 2 डिवाइड बाय रूट 5 लीडिंग, क्लियर। अगर मैं इससे पहले की बात करूं, अगर यहाँ पे 50 हर्ट्स होता तो 50 हर्ट्स के केस में यहाँ पे मुझे गिवन था 2 और ये वैल्यू गिवन थी 1, अगर मैं उस केस में मुझे बताना होता कि पावर फैक्टर कितना होगा वो भी देख लीजिए ज़रा, सो दैट आपका जो कंसेप्ट है वही इस क्वेश्चन का बन जाए, सो दैट इन फ्यूचर अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन रहेगा तो आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा, क्लियर। तो ध्यान से देखिए इस पॉइंट को, अगर मैं इसका टोटल इम्पीडेंस की बात करूँ, टोटल इम्पीडेंस कितना होगा 2 प्लस नेक्स्ट कितना भाई J2 नेक्स्ट कितना है J1, ये टोटल इम्पीडेंस हो जाएगा, क्लियर। अगर इसका मैं फेज ड्रॉ करूँ, ये मेरा 2 है, ये वाला 2,
जे का मतलब क्या होता है, ऊपर को, जे है इसकी वैल्यू कितनी है, जे टू, माइनस जे मीन्स नीचे को, जे है माइनस जे, इन दोनों का रिजल्टेंट टू जे से अगर माइनस जे कर दूंगा तो कितना बचेगा, प्लस जे बचेगा, इसका मतलब जो रिजल्टेंट बनेगा इसका वो मेरा ऊपर को बनेगा, समझ रहे हो पॉइंट, जी हाइट कितनी होगी जे वन, समझे इतनी बात। अब मुझे इसका रिजल्टेंट दिस प्लस दिस, इस हाइट की मुझे वैल्यू निकालनी होगी, तो ये मेरा हो जाएगा इम्पीडेंस जेड, क्लियर। तो जे एंगल मेरा थीटा बनेगा, जे मेरा पावर फैक्टर एंगल होगा, इस हाइट की वैल्यू वन है, जे कितना है टू, तो जेड, तो कॉस थीटा निकालिए, यहाँ से कॉस थीटा होता है बेस डिवाइड बाई एच, तो बेस की वैल्यू टू है, एच मेरा जेड है, तो जेड की वैल्यू कैसे आ जाएगी भाई, फिर रिजल्टेंट निकालो टू का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर अंडर रूट फाइव, तो आंसर कितना आ गया टू डिवाइड बाई रूट फाइव, क्लियर। अब मुझे एक चीज़ बताइए, इस केस में इफेक्ट किसका ज़्यादा है, इंडक्टिव रिएक्टेंस ज़्यादा देन कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इसका मतलब नेचर कैसा होगा, लैगिंग। तो आधे स्टूडेंट तो इस क्वेश्चन को ऐसे ही रॉन्ग कराए होंगे, जो पहला सर्किट आपका बना होगा उसके अक्रॉस आपने सॉल्व किया, तो आंसर कितना आएगा आपका 2.5 लैगिंग, लेकिन एक्चुअल में आपने पावर फैक्टर कब बताना था, जब फ्रीक्वेंसी क्या हो जाए 25 हर्ट्ज, क्लियर। जैसे ही फ्रीक्वेंसी 25 हर्ट्ज होगी, जे मेरा हाफ हो जाएगा, जे मेरा क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा, कैसे, बिकॉज ये रिलेशन मुझे पता है, समझ पा रहे हो पॉइंट। तो उसके अकॉर्डिंग जो आपका आंसर आएगा 2/√5 लीडिंग, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा 2/√5 लीडिंग, क्लियर है पॉइंट। तो इस लेक्चर में बस इतना ही था, तो नेक्स्ट लेक्चर में जो बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे। अगर किसी भी टाइप का कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।